मेल की बॉडी के अंदर दो तरीके के स्पर्म सेल्स होते हैं कुछ सेल्स ऐसे से होते हैं जिनके अंदर एक्सक्रोमोजो होता है और कुछ स्पर्म सेल्स ऐसे होते हैं मेल की बॉडी में जिनके अंदर एंड हमारा स्मॉल टी शॉर्ट या डॉफ को डिनोट करता है कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट स्मॉल टी मतलब रेसे चीज सभी को पता होनी चाहिए हेलो हाय नमस्ते क्या हाल चाल आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट एवरी वन इज फाइन मेरा नाम है समृद्धि मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर एंड आज है हमारा हेरिडिटी का एनसीआरटी सॉल्यूशन डिस्कशन मतलब आज क्या करने वाले हैं भाई आज हम इस सेशन में हेरिडिटी चैप्टर के एनसीआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चंस हो चाहे वो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो आज हम उनको डिस्कस करेंगे बट मैं एक बार आपको पहले फिर भी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ जो एग्जाम होता है हमारा बोर्ड एग्जाम होता है बेटा वहां पे ना NCRT के जो है वो थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं जो कि बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस या सेक्स डिट्रमिनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीआर के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता है ना कहां से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो हम तो अपनी अच्छे से करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम एनसीआर क्वेश्चन डिस्कशन इंटेक्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे मेक श्योर sure जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आपने अपनी एनसीआर साथ में खोल रखी है एंड जब आप क्वेश्चन रीड करो तो आपके दिमाग में एकदम से ऐसे कॉन्सेप्ट हिट होना चाहिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और अगर एकदम से हिट नहीं हो रहा तो बेटा मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए आपको समझाने के लिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया है तो इसमें क्या की वर्ड रहेंगे यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले मेंशन करना है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है है ना तो लर्न फ्रॉम दैट एंड उन सब चीजों को लर्न करके अच्छे से समझकर अपने एग्जाम में उन उन चीजों को उन पॉइंट्स को अप्लाई करना है

क्या कहने चाह रहे हो भाई देखो वो ये कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है जिनके अंदर एक पर्टिकुलर करेक्टर का क्या है ट्रेट ए है टेन परसेंट पॉपुलेशन में कौन सा ट्रेट ए टेन परसेंट पॉपुलेशन में देखने को मिलता है उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो ट्रेट बी है वो सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन में देखने को मिलता है उसी सेम पॉपुलेशन में है ना मैम बाकी का परसेंटेज बाकियों में दूसरा ट्रेट होगा ठीक है तो वो कह रहा है कि बताओ कौन सा ट्रेट पहले आया होगा यहाँ पे क्वेश्चन देख के तो ना मैम सच में तो आ रहे हैं दिमाग खराब हो जाता है कि मैम ये क्या है मैम हम कैसे बता दें मैम परसेंटेज के बेसिस पे परसेंटेज के बेसिस पे तो बताओगे बेटा जब हम डोमिनेंट रेसेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे आप याद करो मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो स्ट्रांगर होता है एंड जब भी वो किसी रिसेसिव ट्रेट के साथ प्रेजेंट होता है, तो वो उसको क्या कर देता है उसको हाइड कर देता है उसको हरा देता है और खुद को एक्सप्रेस करता है ये बात सभी को याद है डोमिनेंट अलील आर द स्ट्रॉगर वन एंड द रिसेसिव अलील आर द वीकर वन ये सबको याद है ना डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग वाला रिसेसिव वीक वाला ठीक है अब मैंने एक और पॉइंट बताया था बेटा आपको कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है

ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर करेक्टर है इसलिए आपको देखने को देखने को मिलेगा लोगों के अंदर ये ज्यादा होता है तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है बेटा जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलता है ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे बेटा आपको परसेंटेज दी हुई है एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताई हुई है कि भाई जो ट्रेट ए है वो टेन ट्रेट ए जो है वो टेन परसेंट के अंदर है एंड जो ट्रेट बी है वो सिक्सटी परसेंट के अंदर है सिक्सटी परसेंट मतलब ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर कौन सा ट्रेट है ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर ट्रेट है ट्रेट बी सो so, यहाँ पे ट्रेट बी क्या हो जाएगा ट्रेट बी यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा ट्रेट बी यहाँ पे क्या हो जाएगा डोमिनेंट हो जाएगा आई होप दिस इज क्लियर ठीक है अब देखो पूरी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है

रिप्रोड्यूस किया तो ये ट्रेट आगे पास ऑन होता गया होता गया होता गया है ना मान लेते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर सबसे पहले ये ट्रेट आया था मान लेते हैं मान लो बेटा ये क्या था एक है इसने रिप्रोड्यूस किया इसने रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करा इसने अपने जैसे एक इंडिविजुअल बनाया एक और अपने जैसे इंडिविजुअल बनाया बट इंडिविजुअल जब बना रहा था ये तो क्या हो गया

इसने अपना ट्रेट आगे पास ऑन किया इसने अपना ट्रेट आगे पास ऑन किया करते 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 भाई पॉपुलेशन में ऐसे वाले इंडिविजुअल्स क्या हो गए बहुत सारे हो गए बहुत सारे हो गए समझ रहे हो तो यानी कि कोई चीज बहुत पहले आई होगी तभी तो आज इतने सारे लोगों में देखने को मिलती है समझ रहे हो तो अगर कोई ट्रेट आपको बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है तो ऐट मीन के वो ट्रेट काफी पहले ही आ गया होगा ठीक है तो इज लाइकली टू हैव अर्लियर जो ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है वही तो आंसर यहाँ पे ट्रेट भी हो जाएगा लिखकर कैसे आएंगे हम लिखकर आएंगे ट्रेट भी जो है वो ज्यादा प्रोबेबल है टू अराइज अर्लियर बिकॉज ये क्या है एग्जिस्टिंग है ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है ठीक है और ये इनहेरिट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल वो ये कह रहा है कि भाई अगर किसी स्पीशीज के अंदर क्या आ जाता है वेरिएशन आ जाते हैं तो कैसे वो वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म को उस स्पीशीज को सर्वाइवल में मदद करते हैं भाई ये चीज तो हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कितनी बार डिस्कस करी है ये वेरिएशन वाला टॉपिक जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की बात होती है तो रिप्रोडक्शन करना मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाना नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो नए सेल्स बनेंगे नए सेल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेल के अंदर की चीजें डुप्लीकेट होंगी सेल के अंदर की चीजें डुप्लीकेट होने का मतलब यह है उसका डीएनए डबल होगा डीएनए की कॉपी बनेगी अब जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो उस टाइम पे हो सकता है कुछ एरर्स आ जाए एरर्स होने के कारण क्या होगा डीएनए के जो सीक्वेंस होगा इंफॉर्मेशन का वो बदलेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि चेंजेस चेंजेस डीएनए डीएनए का DNA के अंदर आएंगे और डीएनए के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो हमको वेराइटी देखने को मिलती है हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं एंड कई बार ये वेरिएशन क्या करते हैं मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म को अडप्ट करने में Adapt करने में कम अडाप्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड जब ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट कर पाता है जब ऑर्गेनिज्म खुद को चेंजिंग एनवायरमेंट में क्या कर पाता है अडेप्ट कर पाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी सर्वाइवल जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है बेटर हो जाता है अब वो अगर अडेप्ट कर पा रहा है दैट मीन्स उसको क्या मिल रहा है वो सर्वाइवल वो सर्वाइव कर पा रहा है ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशन होते हैं ये क्या करते हैं मदद करते हैं इन दी इन दी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो वेरिएशन कई बार अडैप्ट करने में मदद कर जाती हैं हाउ वी विल राइट दिस आंसर हम लिखेंगे कि वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं क्योंकि ये चेंजेस क्या करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को अडैप्ट करने में मदद करते हैं अगर एनवायरमेंट क्या होती है ऑल्टरिंग ऑल्टरिंग मतलब चेंज हो होता गया होता वेरिएशन का मतलब समझते हो ना चेंजेस इन डीएनए तो डीएनए में चेंजेस आते गए, आते, गए, आते गए और वो चेंजेस आगे पास ऑन होते, होते गए होते गए होते गए होते होते होते, होते, होते evolution. ये evolution का भी क्या है बेसिस है चलिए आगे चलते हैं हाउ डू मेंडलस एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट या रिसेसिव अब देखो अब समझ ही नहीं आता यार ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैम कैसे क्या हम लिखेंगे क्या मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे बताया या फिर ये समझाया कि ट्रेड डोमिनेंट भी हो सकता है या रिसेसिव भी हो सकता है तो बेसिकली वो आपसे ना आपको पूछ भी नहीं रहा और पूछे बिना आपसे पूछ रहा है मैम क्या बोल रहे हो बेसिकली आपको ना बेटा इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है बिना मेंशन करे हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम भी नहीं लिया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने को आपको बोल रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो नहीं बनाना प्रॉपर बट वो कॉन्सेप्ट जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था किस चीज का आपको याद है हमने तीन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े हैं जिसमें कि हमारा पहला लॉ जो होता है जिसको हम बोलते हैं जल्दी बताओ कौन सा लॉ आता है पहला लॉ वेरी गुड लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंस लॉ ऑफ तो बेटा ये तो आपको याद ही होगा ना जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो मेंडल ने किसके बेसिस पे दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही तो दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मेंडल ने ही दिया था अब उसने ये कैसे बताया या समझाया कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट भी हो सकता है रिसेसिव भी हो सकता है मतलब ये जो स्ट्रॉन्गर करेक्टर स्ट्रॉन्गर ट्रेट स्ट्रॉन्गर या वीकर ट्रेट का ये जो कॉन्सेप्ट था तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया कि भाई कोई चीज स्ट्रांग होती है कोई चीज वीक होती है तो हम यहाँ पे ना पूरी थोड़ी कहानी से हमको बतानी पड़ेगी कि उसने देखो क्रॉस किया उसने क्या किया उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या किया उसने एक पी प्लांट लिया जो कि क्या था टॉल था टॉल मतलब वो कैसा टॉल था कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल था उसके बाद उसने क्या किया उस कैपिटल टी कैपिटल टी वाले टॉल प्लांट को उसने क्रॉस किया एक एक प्लांट 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 के के साथ एक dwarf P plant के साथ पी अब ऑब्वियस सी बात है देखो क्या मैं इसको डॉफ बोलूंगी नो no, ये तो टॉल हो गया क्या मैं इसको टॉल बोलूंगी नो no, ये तो टॉल हो गया उसने क्या किया उसने डॉफ प्लांट लिया डॉफ प्लांट मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी प्लांट लिया ठीक है अब बेटा ये बात तो हमको पता है ना ये बात तो हमको पता है कि कैपिटल टी का मतलब टॉल 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 होता होता है 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 स्मॉल टी का मतलब होता है, उसके लिए तो 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 प्लांट देखने में अगर है तो अगर ठीक तो उसको तो प्लांट बस देखने में दिखते थे ना भाई टॉल प्लांट दिख रहा है चलो जी एक ले लेते हैं एक डॉफ दिख रहा है ये ले लेते हैं तो उसने एक टॉल और डॉफ प्लांट लिया और उन दोनों को क्रॉस कराया एंड जब उसने उन दोनों प्लांट्स को क्रॉस कराया तो वो सरप्राइज सरप्राइज था था क्यों था? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं एक टॉल एक डॉफ प्लांट डॉफ मतलब शॉर्ट होता है सबको पता है ना तो टॉल और डॉफ को अगर मैं क्रॉस कराऊंगा तो उसने एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी थी कि भाई मुझे तो एक मीडियम प्लांट मिलेगा मीडियम हाइट का प्लांट मिलेगा उसने ये नहीं सोचा था कि टॉल मिल जाएगा या तो डॉफ मिलेगा उसने एक्सपेक्टेशन दिमाग में बनाई थी कि भाई मैं टॉल और डॉफ लूंगा तो मुझे मीडियम मिलेगा बट ऐसा नहीं हुआ उसको जो प्लांट मिला वो कैसा मिला उसको टॉल प्लांट मिला तो कैसा प्लांट मिला टॉल प्लांट मिला ठीक है? और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो बेटा पे इसका जो जीनो टाइप होगा वो ये होगा कैपिटल टी इसको यहां से मिलेगा स्मॉल टी इसको यहां से मिलेगा ठीक है तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए फर्दर है ना उसके बाद इसने इनकी क्या कराई सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई पूरा पूरा आगे जो हमने क्रॉस करके समझा है पड़ा है तो वहां पे उसने कंक्लूड किया कि देखो होता क्या है जब दो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो दोनों ही अपने कैरेक्टर को क्या करते हैं आगे पास ऑन करते हैं इसने अपना कैपिटल टी आगे पास ऑन किया होगा इसने अपना स्मॉल टी आगे पास ऑन किया होगा बट एक कैपिटल टी जो यहाँ से आया और एक स्मॉल टी जो यहाँ से आया इन दोनों में क्या था इन दोनों में एक तरीके का कॉम्पिटिशन था खुद को एक्सप्रेस करने का अब खुद को कौन एक्सप्रेस कर पाएगा दोनों की लड़ाई होगी कौन एक्सप्रेस कर पाएगा जो स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ टॉल का टॉल हाइट का जो जीन था कैपिटल टी वो क्या था वो स्ट्रॉन्ग था और वो खुद को एक्सप्रेस कर पाया तो यहीं से उसने कॉन्सेप्ट दिया कि देखो जब हम दो अलग 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 अलील्स या दो अलग अलग ट्रेड के प्लांट्स को हम क्या करते हैं क्रॉस कराते हैं तो उसमें से एक डोमिनेंट होता है जो कि स्ट्रॉन्गर होता है और एक वीक होता है जो कि रिसेसिव होता है तो जो हमने पूरा करके दिखाया यहाँ पे हम उसको लैंग्वेज में इस तरीके से शो करेंगे लिखेंगे ठीक है चलो इसको आगे हमने एक्सप्लेन कर रखा है जैसे हम इसको क्या करते हैं बेटा इसको आगे हम सेल्फ करेंगे जनरेशन जनरेशन बनाएंगे टू में हमको कुछ भी देखने को मिलेंगे है ना फिर हम पूरा बताएंगे कि भाई मेंडल ने कंक्लूड किया जो एफ वन टोल प्लांट्स थे वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं थे इंस्टेड उनके अंदर दोनों कैरेक्टर थे टॉल वाले और डोफ वाले तो ये कह रहा है कि एफ जो थी दिस इज एफ

इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट अब वो ये कह रहा है कि मेंडल ने ये चीज कैसे शो करी थी कि अगर हम दो अलग अलग कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की बात करें तो कैसे वो सब अलग अलग इनहेरिट होते हैं मतलब एक कैरेक्टर का पास ऑन जो पासिंग ऑन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो किसी और कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे इफेक्ट नहीं डालता ये बात उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट के थ्रू समझाई थी और आप सभी को याद होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटमेंट किस पे बेस्ड है वेरी गुड दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस तो हम ये बताएंगे कि भाई मेंडल ने ये चीज प्रूव करी थी विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है डाई मतलब टू यहाँ पे हम क्या करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को हम क्या करते हैं समझते हैं अगर आपको याद हो तो मेंडल ने क्या किया था मेंडल ने प्लांट लिए पी प्लांट लिया और उसने दो कैरेक्टर्स को चूज किया एक कैरेक्टर था सीड की शेप इसमें कि हमारी राउंड शेप डोमिनेंट होती है रिंकल शेप रिसेसिव होती है दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने चूज किया था वो था हमारा सीड का कलर जिसमें कि येलो कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन कलर रिसेसिव होता है उसने दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को क्या किया था उसने स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर निकला था कि देखो जो जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे हमको हाइब्रिड क्रॉस की बात करनी है ठीक है अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ वो आपको बनाना है यहाँ पे मोर ऑफ इट वी आर फोकसिंग कि हम आंसर लिखेंगे कैसे तो जैसे कि अभी मैंने बताया बेटा उन्होंने दो कैरेक्टर्स को चूज किया एक सीड की शेप एक सीड का कलर जिसमें कि क्या था भाई राउंड शेप को कैपिटल आर कैपिटल आर से किया उन्होंने किया येलो सीड कलर को कैपिटल कैपिटल वाई वाई से किया ग्रीन को स्मॉल वाई स्मॉल वाई से किया ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मैं तुमको बना के छोड़ के देके जा रही हूँ तुमको क्रॉस बनाना है और मुझको आंसर करके तुम बताओगे कि तुम्हारा आंसर नाइन इज टू थ्री टू वन आया कि नहीं आया न इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन आया कि नहीं आया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम मान लेते हैं पेरेंट्स क्या है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई एक पेरेंट है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ठीक है इन दोनों को क्रॉस कराएंगे यहाँ पे मैं लिखूंगी गैमीट्स ठीक है गैमीट्स गैमीट्स हमारे क्या हो जाएंगे बेटा जल्दी बताएंगे गैमीट्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल एक दूसरे से, से फ्यूज करेंगे हमारी आएगी एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन हमारी हो जाएगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमारी क्या है ये हमारी है एफ वन जनरेशन देखने में ये कैसी होगी जल्दी से बताएंगे बेटा कैपिटल आर की वजह से ये कैसी हो जाएगी राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो तो राउंड येलो सीडेड टी प्लांट ये हमको मिल गया है यहां पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जल्दी से बताएंगे वेरी गुड यहाँ पे हम क्या करते हैं सेल्फिंग करते हैं सेल्फिंग में क्या किया जाता है एफ वन को एफ वन से क्रॉस करते हैं कैमिड बनेंगे एफ टू बनेगा और आपको क्या करना है आखिरी में आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे कि यहाँ पे जो रेशियो लिखा हुआ है नाइन इस टू वन एफ टू का रेशियो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप मुझको कॉमेंट करके बताओगे ठीक है एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगी बेटा हमने पूरा जो भी सबसे पहले हम बताएंगे कि उन्होंने क्या किया उनका एक्सपेरिमेंट था क्या सबसे पहले हमने बता दिया कि उन्होंने दो दो कैरेक्टर्स दो ट्रेड्स को स्टडी किया एक सीड की शेप और एक सीड का कलर फिर हम बताएंगे है ना ये तो हमने बना दिया फिर हम थियोरिटिकली हम बताएंगे जब उन्होंने क्रॉस किया F1 मिला F1 में फिर F2 ऐसे मिला F2 में ये आया ठीक है अब ये तो तुम तभी बताओगे ना नाइन कितने हैं थ्री कौन से वाले हैं वन कौन से वाले हैं जब तुम क्रॉस करोगे ठीक है तो ये चीज हम आप पूरा रिटर्न में बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को लेके बच्चे इतने परेशान रहते हैं मैम ब्लड ग्रुप मैम ब्लड ग्रुप मैम ब्लड ग्रुप बेटा ब्लड ग्रुप तुम्हारे कोर्स में नहीं है तुमसे कोई एग्जाम में ब्लड ग्रुप नहीं पूछेगा ठीक है और ये जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है तुमको ये तुमको सिर्फ कंफ्यूज तो नहीं बोलना चाहती ये हो सकता है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए दिया गया है देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एक मैन है ना जिसका ब्लड ग्रुप क्या है जिसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप ठीक है क्या ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड ग्रुप है ए उन्होंने वुमेन के साथ शादी करी जिनका ब्लड ग्रुप क्या है ब्लड ग्रुप है ओ एंड उनकी डॉटर है जिनका ब्लड ग्रुप है ओ इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेट वाई और वाई नॉट उन्होंने कहा कि देखो भाई क्या है एक मैन है ना मैन को फादर लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं तो यहां पे क्या है यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है जो ब्लड ग्रुप है फादर का वो है ए और जो मदर है मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप बी दैट इज ब्लड ग्रुप बी बी ओ ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बताया बेटा मैंने सिर्फ वही लिखा है जो जो क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने कहा कि इनकी एक बेटी हुई है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ अब वो ये कह रहा है क्या ये डाटा ये जो इंफॉर्मेशन है क्या ये इनफ है ये बताने के लिए कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ब्लड ग्रुप ओ देखो बेटा ये चीज ऐसी नहीं होती कि चेंज होती रहती है मैं आपको बता देती हूँ बेसिक चीज जो ए बी ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ए बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए कुछ लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी कुछ लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है ओ तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हाट डू वी कॉल इट हम इसको बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ग्रुप सिस्टम चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हो बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझना आए तुमको समझा देती हूं देखो बेटा हमारे पास मेजरली क्या है चार ब्लड ग्रुप होते हैं एक है ए एक है बी एक है ए बी एक है ए एक है बी एक है ए बी और एक है ओ ठीक है समझ आया ये चार ब्लड ग्रुप है ठीक है अब देखो बेटा होता क्या है ए और बी जो है दोनों ही क्या है दोनों ही बहुत ही होते हैं ठीक है, हैं। है? हैं। तो जब ए और ओ साथ में होगा तो हमेशा ए क्या होगा ए हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा ए डोमिनेंट की तरह काम करेगा जब बी और ओ हमेशा साथ में आएंगे तो बी क्या है मैंने कहा ये दोनों ही क्या है बहुत है तो बी हमेशा क्या होगा ओ से जीत जाएगा ये खुद को एक्सप्रेस करेगा बट जब ए ए भी हमेशा मतलब अब ए और बी मान लो एक साथ आ गए तो दोनों में से कोई हार नहीं मानता दोनों ही क्या है इक्वली डोमिनेंट है इक्वली क्या है इक्वली स्ट्रांग है तो ये दोनों एक साथ खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं अब ये अपने आप में बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन में जो ये कह रहा है ना कि ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट वाई और वाई नॉट ठीक है तो हम इससे बता ही नहीं सकते ठीक है ये इंफॉर्मेशन क्या है ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है ये इंफॉर्मेशन इनफ है ही नहीं ठीक है और ये पॉसिबल भी नहीं है नहीं, हो है पॉसिबल है, तो है पॉसिबल तो है ठीक है पॉसिबल भी पॉसिबल है ये बट हम उस डिटेल्स में नहीं जा सकते ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए कौन से वाला ब्लड ग्रुप है क्योंकि ए ब्लड ग्रुप किसका माना जाएगा देखो ये जो पर्सन होगा ना इसका ब्लड ग्रुप भी फाइनल क्या होगा ए ब्लड ग्रुप होगा ये जो पर्सन होगा इसका फाइनल ब्लड ग्रुप भी क्या होगा ए होगा तो हमको तो बताया ही नहीं हुआ ना इसका जीनो क्या है इसका कौन सा जीनो है हमको एक्सप्लेन ही नहीं किया तो मतलब यार कुल मिला के बात यह है कि इंफॉर्मेशन इनफ <laughs> नहीं है ठीक है इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है ठीक है इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ चलिए आगे चलते हैं हाउ इज द द सेक्स ऑफ़ चाइल्ड इज ह्यूमन बीइंग्स वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर घुमा फिराक के स्टेटमेंट बदल दी जाएगी बट आंसर आपका चेंज नहीं होना चाहिए आंसर हमारा क्या है आंसर हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रॉस ठीक है देखो बेटा आपको घुमा फिरा के स्टेटमेंट देंगे कि जो मदर होती है वो डिटरमाइन करती है द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो फादर होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स अगर ट्रू है तो जस्टिफाई करो फॉल्स है तो जस्टिफाई करो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्या होंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट आपको सब में सब में आपको करना क्या है बेटा सब में आपको बनाना है ये क्रॉस हम क्या करेंगे हम यहाँ पे बताएंगे कि देखो भाई जो सेक्स होता है किसी भी किसी भी इंडिविजुअल का ठीक है सेक्स ऑफ द चाइल्ड चाइल्ड का जो सेक्स है वो किस चीज पे डिटरमाइन करता है बेटा वो डिटरमाइन करता है क्रोमोजोम्स पे जो मेल्स होते हैं मेल्स के अगर सेक्स क्रोमोजोम्स की अगर हम बात करें तो एक्स वाई होते हैं फीमेल्स के अगर हम सेक्स क्रोमोजोम्स की बात करें तो वो एक्स एक्स होते हैं ठीक है अब XY बनेगा या एक्स सेक्स बनेगा ये टोटली totally डिपेंड करता है किस पे ये टोटली totally डिपेंड करता है फादर के ऊपर द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन फादर फादर नॉट मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्स क्या होगा चाइल्ड का तो यहां पे इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस जो कि हमने क्लास में भी पढ़ा है एंड समझा है सबसे पहले हम लिखेंगे फादर फादर का जो जेनेटिक मेकअप है एक्स वाई सेक्सक्रोमोजोम वो लिखे मदर के जो सेक्स है हमने वो लिखे फिर हमें अपने गैमिट्स की बात करी गैमिट्स मेल के अंदर गैमिट्स होते हैं स्पर्म सेल अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मेल की बॉडी के अंदर दो तरीके के स्पर्म सेल्स होते हैं कुछ स्पर्म सेल्स ऐसे से होते हैं जिनके अंदर एक्स एक्सक्रोमोजोम होता है और कुछ स्पर्म सेल्स ऐसे होते हैं मेल की बॉडी में जिनके अंदर वाई वाइक्रोमोजोम होता है यानी कि मेल की बॉडी में दो अलग अलग तरीके के स्पर्म्स होते हैं कुछ कुछ स्पर्म्स में एक्स एक्सक्रोमोजोम और कुछ स्पर्म्स में वाई माइक्रोमोजोम फीमेल की बॉडी में भाई जितने भी एग्सल होते हैं सबके सब में हर हर एग सेल के अंदर हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है अब ये रैंडम होती है ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की हमको नहीं पता कि ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज करेगा ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज करेगा ये वाई इसके साथ फ्यूज करेगा ये वाई इसके साथ फ्यूज करेगा हमको नहीं पता तो यहाँ पे क्या है अलग अलग प्रोबेबिलिटी है फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई एक्स एक्स बने यानी कि फीमेल बने एंड 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्स वाई बने अगर ऐसा बनाने में दिक्कत आ रही है तो भाई तुम टब्बे वाला भी बनाकर आ सकते हो जैसे कि हमने क्लास में बनाया था याद दिला देती हूं सबसे पहले लिखेंगे पेरेंट्स ठीक है मेल पेरेंट्स फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट के सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई फीमेल पेरेंट के सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स यहाँ पे हम गैमीट्स की बात करेंगे तो मेल के अंदर दो अलग तरीके के गैमीट्स बनेंगे कुछ फॉर्म्स ऐसे होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा कुछ फॉर्म्स ऐसे होंगे जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा कुछ एग्स ऐसे होंगे जिनमें एक्स होगा और ऑब्वियस बात है सब में एक्स ही होगा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे एफ जनरेशन फीलियल वन जनरेशन लिख देंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं हम बनाते हैं डब्बा एंड इस डब्बे का नाम होता है पनेट स्क्वायर पनेट स्क्वायर नॉट पुनीत स्क्वायर है हाँ ना ऐसे सिली जो हमने भी बहुत मारे हैं स्कूल में इट्स ओके चलो कर लो कोई नहीं ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा एक तरफ यहाँ पे हम लिखेंगे मेल यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल ये जो एक्स है इसको एक तरफ लिख लेंगे तो ये x यहां पे लिख दिया बेटा ये y यहां पर लिख दिया ये x यहां पर लिख दिया और एक x यहां पर लिख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा क्रॉस करेंगे तो ये x ये वाला x, ठीक है ये वाला स्पॉर्म सेल ये वाला एक्स सेल जब भी दोनों फ्यूज करेंगे फर्टिलाइज करेंगे तो zygote का कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स एक्स यहां पे ये क्या होगा बेटा ये भी होगा एक्स एक्स ये ये y x ठीक है तो x y लिख देंगे y x मत लिखना x y लिख लेना ठीक है क्योंकि बोलने में ज्यादा यही फॉलो किया जाता है और ये y ये x ठीक है तो यहां पे भी x y लिख देंगे तो अब मुझे बताओ बेटा ये, ये क्या होगा दिस विल बी अ फीमेल चाइल्ड दिस विल बी अ फीमेल चाइल्ड दिस विल बी मेल चाइल्ड एंड दिस विल बी मेल चाइल्ड राइट तो यहां पे अगर हम बात करें पेपर में अगर आपको आया तो आप प्लीज इस तरीके से क्या करेंगे क्रॉस बना कर आएंगे अगर आप ये बना सकते हो अच्छी बात है नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है ये बना के आओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बल्कि मैं बोलूंगी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस तरीके से बना कर आओ क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि ऐसा वाला क्रॉस बनाओ मैं तो एडवाइस करूंगी कि भाई ये वाला क्रॉस बना कर आओ ठीक है और अगर क्रॉस बना ही रहे हो तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए ठीक है मेल टू इस फीमेल इसीमेलो बना कर आ जाओगे तो भी बढ़िया है है ना चांसेस मेल के, 50 चांसे के तो यहाँ पे टू इस टू टू को वन इस टू वन हो गया ठीक है तो हमारा ये रेशियो रहता है चलिए जी इसी के साथ हमारे इंटेक्स क्वेश्चन हुए खत्म आगे चलते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन पे फटाफट से देखते हैं बस चार पाँच क्वेश्चन ियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग बट ऑलोस्ट हाफ ऑफ देर शॉर्ट दिसनेटिक मेकअप ऑफ ऑल द टॉल पेरेंट्स कैन बी डि क्या है वॉट इज दिस देखो इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले ठीक है देखते so जल्दीबाजी नहीं करनी है आराम आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी प्रैक्टिस स्टेज पे हम जितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारा फाइनल एग्जाम अच्छा होने वाला है तो चीजों को अभी थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ले सकते हो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए इसने कहा कि एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या था एक प्लांट लिया गया जो क्या था टॉल था और इसमें फ्लावर कैसे थे वायलेट थे तो इसको नाम हम लिख लेते हैं जब लिखे गए चीजें और आसान लगेंगी तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि एक प्लांट है जो कि क्या है टॉल है और उसके फ्लावर्स कैसे हैं वायलेट ठीक है जी एक प्लांट हो गया टॉल हाइट उसकी टॉल है और उसके फ्लावर्स कैसे हैं वायलेट वेरी गुड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो दूसरा प्लांट है उसमें क्या है उसमें क्या है शॉर्ट है वो उसकी हाइट क्या है उसकी हाइट शॉर्ट है और उसके फ्लॉर्स कैसे हैं वाइट है, है। उसके कैसे हैं वाइट है चलो जी ये भी लिख लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट हाइट हाइट है उसकी प्लांट इज इन और उसके फ्लावर का कलर क्या है उसके फ्लावर का कलर है वाइट अच्छा at ये बेसिक चीजें बेटा आपको पता है ना हमने क्लास में भी पढ़ी है हमारे हाइट की कलर के दो जीन्स होते हैं जिसमें कि हमारा कैपिटल टी टॉल को डिनोट करता है एंड हमारा स्मॉल टी शॉर्ट या को डिनोट करता है कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट स्मॉल टी मतलब रिसेसिव ये चीज सभी को पता होनी चाहिए नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लार का कलर तो फ्लार के कलर के लिए भी हमारे पास दो जीन होते हैं कैपिटल डब्ल्यू से पे डब्ल्यू यूज हुआ है तो डब्ल्यू यूज कर लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू यहां पे हम डिनोट करेंगे वाइलेट ठीक है और यहां पे स्मॉल डब्ल्यू हम यहां डिनोट करेंगे वाइट ये क्या होते हैं ये डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं ठीक है इस चीज को यहां से भी हम समझ सकते हैं देखो अब इसने कहा देखना सुनना जरा ये दो पेरेंट हमने लिख लिए मैंने कुछ अपनी मर्जी से नहीं लिखा है बेटा ये गिवन है एक पेरेंट टॉल वायलेट और दूसरा पेरेंट शॉर्ट वाइट क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे द तो प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट वो कह रहा है कि जब हमने इन दोनों प्लांट्स को एक दूसरे के साथ क्या कराया जब इन दोनों प्लांट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया तो क्या हुआ जो हमारी f1 प्रोजेनी बनी वो पूरी की पूरी प्रोजेनी कैसी थी कैसी थी उसके फ्लावर्स कैसे थे देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स यानी कि सबके अंदर फ्लावर्स कैसे थे सबके अंदर फ्लावर्स कैसे थे वायलेट थे सबके अंदर फ्लावर्स कैसे थे वायलेट थे इसका मतलब ये हुआ कि वायलेट जो है वो वाइट के ऊपर क्या है डोमिनेंट है ठीक है तो वायलेट वाइट के ऊपर डोमिनेंट है अच्छा देखो यहां पे हम इसका जीनो टाइप लिख सकते हैं क्या देखो टॉल और शॉर्ट में बेटा टॉल डोमिनेंट होता है शॉर्ट रिसेसिव होता है तो शॉर्ट जो होगा वो हमेशा इस जीनोटाइप की वजह से होगा कभी भी ये वाला जीनोटाइप

कि जो हमारी जनरेशन बनी है ना ये वाली जो एफ वन जनरेशन बनी है उसने बताया कि उसमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं वायलेट वाले हैं बट कुछ प्लांट्स कैसे हैं आधे टॉल हैं और आधे शॉर्ट हैं। मतलब मतलब वो ये कह रहा है कि F1 जनरेशन में हमको दो तरीके के प्लांट्स देखने को मिले उसने ये बात देखो बताई है द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट उसने कहा कि जनरेशन में हमको दो तरीके के, 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 के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं कुछ प्लांट्स कैसे हैं हैं टॉल के के साथ साथ वायलेट वायलेट फ्लावर्स फ्लावर्स और कुछ प्लांट्स ऐसे शॉर्ट उसने ये डिस्क्रिप्शन दिया है बेटा क्वेश्चन में मैंने अपनी मर्जी से नहीं बताया उसने क्वेश्चन में बताया कि एफ एन में दो तरीके के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं टॉल हाइट के साथ वायलेट फ्लावर्स शॉर्ट के साथ वायलेट फ्लावर्स तो ये तो बात समझ आ गई कि वाइलेट ने इस वाइट को हरा दिया है अच्छे तरीके से एक भी प्लांट वाइट फ्लावर वाला नहीं है इससे यह साबित हो जाती है बात कि यहां पे जो वाइलेट फ्लावर का जो जीन है वो क्या है होमोजाइगस कंडीशन में है जब भी ये इसके पास जाएगा तो ये इसको हरा देगा ये इसको हरा देगा तो इनके पास जो है बेटा कैपिटल ट्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू दोनों जगह पर है क्योंकि अगर एक जगह पे भी स्मॉल डब्ल्यू होता तो ये small w और ये और मिलके white बना देते है ही नहीं कहीं पे। पे मैंने मैंने कि कैसे कैसे लिख लिख दिया? दिया? बहुत सारे बच्चे सोच माम, आपने पे capital, w, capital w, कैसे लिख दिया? देखो बेटा यहाँ पे अगर एक भी स्मॉल डब्ल्यू होता ना तो ये वाला स्मॉल और ये वाला स्मॉल डब्ल्यू मिलके यहाँ पे कहीं ना कहीं पे व्हाइट कलर शो हमको करते बट हमको कहीं पे भी व्हाइट कलर एक भी प्लांट में नहीं देखने को मिल रहा फ्लावर का दैट so मीन्स के यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू का जीन है ही नहीं यहाँ पे दोनों कैपिटल डब्ल्यू है अब तो बहुत सिंपल हो गई ये चीज कैसे सिंपल होगी देखो यहाँ पे इसने कहा कि कुछ प्लांट स्टॉल है कुछ प्लांट शॉर्ट है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल दोनों रहे होंगे ऐसे कैसे देखो अगर यहाँ पे सारे कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी होते तो हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनता बट यहाँ पे कुछ प्लांट्स शॉर्ट भी बने हैं सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जरूर एक स्मॉल टी रहा होगा जिसने इस स्मॉल टी के साथ क्या किया होगा क्रॉस किया होगा और शॉर्ट दिया होगा शॉर्ट हाइट दी होगी तो so यहाँ पे जो हमारा जीनो टाइप है वो है दिस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू ये कौन सा ऑप्शन है भाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल ओके ये होगा आंसर बेटा हमारा ऑप्शन सी ठीक है

ब्लू है ग्रीन है है ना ग्रे है इस तरीके के कलर होते हैं तो देखा गया कि उनके पेरेंट्स के अंदर भी क्या है पेरेंट्स की आंखों का कलर भी लाइट है ठीक है क्या ये इंफॉर्मेशन सही है क्या हम बता सकते हैं डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बेटा ये देखो ऐसा नहीं है मैंने तो इतने सारे लोग देखे हैं जिनके पेरेंट्स की आंखों का कलर नॉर्मल ब्लैक ब्राउन है और उनके बच्चों की आंखों का कलर आ, यू नो ब्यूटिफुल ग्रे और हेजल वाला कलर देखा है मैंने ब्लू कलर देखी है इसका ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे की आंखों का कलर ग्रीन है या ब्लू है तो उनके पेरेंट्स की आंखों का भी कलर ब्लू या ग्रीन हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये तो हमको पूरी फैमिली हिस्ट्री पता लगानी पड़ेगी क्योंकि कई बार होता है कि भाई दादा दादी नानी की किसी की आंखें थी और उनके जींस पेरेंट्स में गए मतलब उनके बच्चों में गए बट उनके बच्चों में भी एक्सप्रेस नहीं हो पाए बट उनके जब ग्रैंड पेरेंट्स हुए तो उनके अंदर एक्सप्रेस हो गए तो ये चीज हम प्रॉपरली तब बता पाएंगे डोमिनेंट डॉमिनेंट्रेसेसिव का कॉन्सेप्ट जब हमें एटलीस्ट दो तीन जनरेशन की इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट तीन तीन जनरेशन की इन्फॉर्मेशन होगी तो दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ ठीक है दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ है ना देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि एटलीस्ट हमको थ्री जनरेशन की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिससे हम ये बता सके ठीक है और ये स्टेटमेंट जो स्टडी है ना जिसने भी करी है गलत है ठीक है कि बेटा आप पैसे मत सोचना गलत इंफॉर्मेशन दे दी नहीं बेटा ये आपको न, ये आपको आपको ना एक क्वेश्चन को पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए जान पूछ के ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है मान मत लेना कि स्टडी है मान लो अंदर लिखा है बेटा ये आपको क्वेश्चन पोर्ट्रे करने के लिए आपको ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स अब वो ये कह रहा है आप एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें हम क्या करेंगे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कोट कलर इन डॉग्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ना ब्लैक बताया ना ब्राउन बताया ना व्हाइट बताया ना कैपिटल बी ना स्मॉल बी कुछ भी बता लो कुछ भी बना लो एक प्रोजेक्ट ठीक है प्रोजेक्ट बना लो तो भाई अपनी मर्जी से कुछ भी हम एज्यूम करके चल लेंगे यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं क्या एज्यूम करें हम कर लेते हैं कि भाई जो ब्लैक कोट कलर है जो ब्लैक 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 कोट, ब्लाक कोट, वाला कोट नहीं, भाई फर आपने देखा होगा ना बहुत सारे डॉग्स ब्लैक होते हैं कुछ व्हाइट होते हैं तो हम अपनी मर्जी से मान के चल रहे हैं यहां पे हम कुछ भी नहीं उसने कहा ऐप का आउटलाइन करना मतलब अपनी मर्जी से बनाना तो मान लेते हैं भाई ब्लैक क्या है डोमिनेंट है ठीक है वाइट क्या है रिसेसिव है तो उसको स्मॉल बी से ले लेते हैं अब अपनी मर्जी से तुम कोई भी क्रॉस क्रिएट कर लो इस तरीके से कि भाई हमने एक, एक मेल डॉग लिया जो कि क्या है Lettuce से ब्लैक कलर का है उसका हमने जीनो टाइप ये ले लिया एक फीमेल डॉग लिया हमने ठीक है जिसका पर वाइट कलर का है ना अब हमने इनको क्या कराया अब हमने इनको क्रॉस कराया कैपिटल बी स्मॉल बी ठीक है इसकी हमने सेल्फिंग कराई इस तरीके से आपको वो क्या कह रहा है पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए आपको कह रहा है यहाँ पे हम एफ टू बना लेंगे यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी ब्लैक कलर हो जाएगा इसका कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक कलर हो जाएगा इसका कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक कलर हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल बी व्हाइट कलर हो जाएगा सिंपली बस ये करके दिखाना है ठीक है चलो उसके बाद जो एक्सप्लेन किया है बेटा मैंने, है ना इस तरीके से यहाँ पे देख लेना इन्होंने पे क्या लिया है इन्होंने okay, इन्होंने ओके भी वाइट कलर लिया है क्रॉस बिटवीन ब्लैक होमोजाइगस मेल डॉग विद वाइट होमोजाइगस फीमेल डॉग वाइट होमोजाइगस डॉग फीमेल अच्छा इन्होंने उल्टा करके लिया है ठीक है हमने हमने ब्लैक मेल डॉग लिया इन्होंने क्वेश्चन में ब्लैक फीमेल डॉग ली ठीक है इन्होंने वही चीज हमने जो करी है बेटा बस इन्होंने उल्टा कर दिया ठीक है चलिए हाउ इज द इक्वल जेनेटिक दिब्यूशन ऑफ मेल एंड देखो पहली बात बेटा ये जो क्वेश्चन आपको मैम इतना लाइटली क्यों ले रहे हो बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में ठीक है एग्जामिनर को और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने देना चाहता है आपको जैसे कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे इंडिपेंडेंट असॉटमेंट पे लॉ ऑफ डोमिनेंस पे मोनोहाइब्रिड पे डायहाइब्रिड पे सेक्स डिटर्मिनेशन पे ठीक है ईयर लोब के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि लोब फ्री अटैच ईयर लोब फ्री ईयर लोब ये वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा इंपॉर्टेंट ये वाले तो आपको सिर्फ आपको यू नो क्यूरियोसिटी आपको बताने के लिए कि भाई छोटे छोटे कैरेक्टर्स जैसे कि कलर भी है तो ये भी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है इस चीज के लिए दिए गए ठीक है तो इतना सीरियस मत होना इन क्वेश्चंस को लेके ठीक है चलो बट इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत सीरियस हो जाना यार स्टार लगा देती हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या है मैंने कहा आपको सीरियस होना है अभी हमने ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होती है हमने इसका क्रॉस बनाया था सेम क्रॉस यहाँ पे भी छापना है सेम क्रॉस यहाँ पे भी छापना है इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है मेल एंड फीमेल पेरेंट का प्रोजेनिक के टाइम पे बताओ कैसे भाई सेम बताएंगे ना यार दोनों पेरेंट के पास अपने अपने सेक्स क्रोमोसोम है जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है मेल के अंदर दो तरीके के ग्रामिट्स बनते हैं फीमेल के अंदर एक तरीके का ग्रामिट बनता है एक्स वाला उसमें एक्स वाई वाले एंड इनके जीन्स क्या होते हैं जिस जिस बेसिस पे कंबाइन हो रहे हैं उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि सेक्स क्या होगा क्या होगा प्रोजेनिका तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे बताएंगे हम ये बताएंगे कि देखो होता क्या है हमारे अंदर टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं उन फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स में क्या होता है ट्वेंटी थ्री पेयर्स होते हैं 23 में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं ठीक है एंड जो बाकी का एक पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम ऑटोजोम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है जो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स होता है वो उसके सेक्स क्रोमोजोम्स पे ऊपर डिपेंड करता है फीमेल्स का जैसे कि हमने बात करी फीमेल्स के पास एक्स एक्स होता है मेल्स के पास एक्स वाई होता है बेटा वही चीज जो हम पीछे से हमने रिप्रेजेंट किया एंड ट्रस्ट मी बेटा आपका आंसर इस तरीके से पूरा कोई नहीं पढ़ने वाला जितना आप क्रॉस बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी नॉलेज को वो करनी है आपको कोशिश एग्जाम में ठीक है वही चीज हम हम पे बता रहे हैं कि भाई जब रिप्रोडक्शन होगी फर्टिलाइजेशन होगी ठीक है मेल गैमिट जो होंगे फीमेल गैमिट से फ्यूज करेंगे ठीक है मेल अपने बाईस ऑटोसोम्स देगा या तो एक्स देगा या वाई देगा अगर मेल अपना एक एक्स दे रहा है तो एक एक्स फीमेल से आएगा और गर्ल चाइल्ड होगी अगर मेल अपना वाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल से एक्स आएगा और मेल से वाई आया तो बॉय या फिर मेल चाइल्ड होगा ठीक है क्रॉस बना देंगे जो हमने पीछे डिस्कस भी किया है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे मैं यही नहीं बोलूंगी अननेसेसरीली तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर दिया है बट बेटा आपको ना केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे है ना आपको कुछ केस दे दिया होगा और फिर आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो यार डोमिनेंट इसमें से क्या है रिसेसिव इसमें से क्या है है ना अगर आपको हम बोल दें कि जीनोटाइप ये है तो एक क्रॉस बना के दिखाओ और बताओ इसमें कितने वाइट कलर के होंगे कितने वायलेट कलर के होंगे है ना इस तरीके से आपको केस दिए जाएंगे ठीक है तो इस चीज के लिए रेडी रहना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस के न्यूमेरिकल्स करने के लिए रेडी रहना है उसके अलावा बेटा सेक्स डिटरमिनेशन का तो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है तो सेक्स डिटरमिनेशन वाला क्रॉस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है चलिए सो दैट सॉल्व फॉर टुडे थैंक यू सो मच अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए बाय बाय